शीलू जी के पैर भी जमीन पे नहीं लग रहे, फिर भी ये संभाल के दिखाएंगे। चलो जी 1 2 3। सो फाइनली आज वो दिन आ गया जिस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। आज लॉन्चिंग है रॉयल इनफील्ड के शोरूम के अंदर सुपर मीटियोर 650 की। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अब निकल रहे हैं यहां से सीधा रॉयल इनफील्ड के शोरूम पर। वासु आ रहे हैं रास्ते में वो स्कूटी से और यहाँ हो गई है बारिश शुरू। ये हल्की फुल्की छींटे पड़ रही हैं, ज्यादा तेज बारिश नहीं है तो मैं तो कार से जा रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं है शोरूम, थोड़ा सा ही है। तो वासु रास्ते में, तो अब निकलते हैं सीधा यहाँ से, चलते हैं रॉयल फील्ड के शोरूम पर और एंजॉय करते हैं आज सुपर मीटियोर 650 की लॉन्चिंग। आई लाइक इट। बड़ी मुश्किल से तो दिल्ली के अंदर लॉन्च हो रही है बाइक और टाइम है 12 बजे का और अभी हो रहे हैं लगभग 12:45। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से पहुंच जाऊँ, ज्यादा लेट ना पहुंचूं, क्योंकि लॉन्चिंग मैंने मिस नहीं करनी है यार। बाइक भी तो बुक कराई हुई है, बाइक लेनी है तो लॉन्च भी करेंगे। सो भाई फाइनली हम तो पहुंच गए रॉयल इनफील्ड के शोरूम पर। ये रहा अपना शोरूम रॉयल इनफील्ड। वासु अभी आए नहीं है, वासु को फोन किया था, उठा नहीं रहे क्योंकि वो चला रहे होंगे अपनी स्कूटी। वासु महाराज दर्शन दे चुके हैं। जी तो भैया क्या हाल है? मैंने कहा था ना मेरे कंपनी वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखो भैया केक आ गया, ये केक कटेगा और सब में बटेगा। काटोगे? अरे मैम से कटवाओ ना। पुरुषोत्तम वाले के यहाँ से आया हुआ है अविंद काका, भाई फेमस है लोंडा, अच्छा बनाता है। नहीं मैं तो सच बता रहा हूँ, हम भी इसी से लेके आते हैं। Congratulations everyone! Thank you so much. Now this is your Super Meteor 650. This is Royal Enfield Super Meteor 650cc. Royal Enfield की most premium bike. First of all मैं बात करूँगा starting alloy जो अभी Royal Enfield ने new design launch करा है। Okay. ठीक है जी। Big tubeless tire, wide tubeless tire है, जिसमें आपका फ्रंट टायर आपका 19 का है और रियर आपका 16 इंचेस का है। डिस्क ब्रेक की बात करूं तो सबसे बड़ी डिस्क ब्रेक 320 mm डिस्क ब्रेक है, फ्रंट रियर डिस्क ब्रेक, एंड रियर डिस्क ब्रेक 300 mm डिस्क ब्रेक। रॉयल एनफील्ड ने पहली बार अपनी गाड़ी में हेडलाइट LED दी है। हाँ, ये आप देख ही रहोगे एक अलग है। ये बहुत बढ़िया और वर्ल्ड की नंबर वन जैपनीज सस्पेंशन में जो बनाती है शोवा कंपनी। शोवा हाँ। USD4 का है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक में लॉन्च किया। डिजिटल मीटर के साथ आपका ट्रिपर नेविगेशन मीटर फिर लॉन्च कर दिया कंपनी ने। ओके। डिजिटल मीटर्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, गियर, बैटरी और साथ ही साथ इसमें आपको ऑयल टेम्परेचर भी शो करेगा। ओके। क्योंकि अभी तक आर मॉडल का मीटर में नहीं है। नहीं आपको मीटियोर 650 में मिलेगा और ये ट्रिपल नेविगेशन हमारे फोन से कनेक्टेड हो जाएगा ना, इस पे फिर हम नेविगेशन वगैरह सब देख चलेगा वही गूगल वाला। गूगल ठीक, बहुत बढ़िया। पेट्रोल टैंक, फ्यूल टैंक एक टीयर ड्रॉप डिजाइन है, रॉयल एनफील्ड की आइकन है। फ्यूल टैंक साइज 15.7 लीटर, जिसमें आपका 3.5 आपका रिजर्व, कंफर्टेबल टूरिंग, लो साइड लो हाइट सीट है। ग्राउंड क्लीयरेंस कितना होगा इसका? ग्राउंड क्लीयरेंस आपका है 135 और सीट हाइट कितनी होगी इसमें? 740 mm. मतलब जिनकी हाइट 5'4" 5.5" है वो इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसका क्रब वेट पूरी बाइक का 241 kg। 241 kg, ये विदाउट एसेसरी। हाँ, एसेसरीज लग जाएंगी तो ऑलमोस्ट 250 किलो से ऊपर की हो जाएगी ना। एडजस्टेबल है ना ये क्लच यहाँ से? ठीक, बहुत बढ़िया। ये पासिंग स्विच है मे बी, और ये इन्फॉर्मेशन, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन के लिए पासिंग स्विच। ओके, ये पासिंग है यहाँ से, ये ट्रिप वन ऑडोमीटर, ट्रिप टू वगैरह, ठीक है ये सारा चलेगा। टाइम वगैरह जी, ओके, बहुत बढ़िया बाइक है ना। अब स्टार्ट करके देखते हैं। अब इसका पहला सेल्फ एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं यार, मैं तो वैसे ही ना एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं ही बैठ
गियर डाल दूं क्या? इतने गड़े में सीधा टैंक पे ही आएंगे सीधा। बस अल्टीमेट फील आ रहा है यार, सच बताऊं मुझे इसमें हार्ले की बाइक आती है एक फैट बॉब, करीबन करीबन 25 से 30 लाख रुपए, 27 लाख की, वैसा फील आ रहा है सच में। मैंने वो चलाई है तो सेम वो फील आ रहा है। रॉयल एनफील्ड ने फाइनली अब सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट है ना अपना, वो मेरे ख्याल से इस प्रोडक्ट के साथ लॉन्च किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत यार। मुझे तो 250 किलो वजन नहीं पता चल रहा है, या मैं हैवी हूँ ज़्यादा। एक चीज़ मैं इसके बारे में कहना चाहूँ, सभी को बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ना इसके माइनस पॉइंट में बार बार बॉडी वेट बॉडी वेट बॉडी वेट को इसको माइनस पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली जब आप क्रूजर राइड कर रहे होते हैं तो वो उसका माइनस पॉइंट नहीं होता, वो उसका प्लस पॉइंट होता है। बिकॉज अगर ये बॉडी वेट इतना ज़्यादा नहीं होगा इसका, तो ये जो क्रूजिंग है यानी कि चिपक कर जो एकदम चलता है राइड जो करता है रोड पे, हाँ वो चीज़ नहीं होगी। सेकेंड थिंग, अगर वेट ज़्यादा है तो हाइट कम है, उस वजह से क्या है कि अगर किसी का वजन कम भी है, शॉर्ट हाइट वाले भी हैं, तो वो इसको आराम से बैलेंस कर सकते हैं शॉर्ट हाइट होने की वजह से। अब एक शॉर्ट हाइट वाले कोई बैठ के देखो तो इसमें, मैम कोई बिठा दो यार। इससे छोटा तो कोई नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। बैठो भाई शांति। पहुंचने पैर आराम से बैलेंस कर पा रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? सच सच बताना हाइट कितनी है? 5'3" 5'3" अरे यार तो पंजे तो लग ही रहे इनके, और एक वो तो दोनों साइड से लग रहे होंगे ना, अगर आप एक पैर ऊपर कर लो तो एक तो पूरा लग रहा होगा आराम से। मस्त है यार, मस्त है। तो हाइट की कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। तो अब फटाफट अनाउंसमेंट कर दो, हमें मिल कब रही है। अच्छा केक काटे, आओ सब मिल के काटते हैं, आओ ना। आओ आओ आप पकड़े, उठाओ 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 पकड़ो। चलो भाई हैप्पी बर्थडे। अब मुंह पे नहीं नंगना है, खिलाना है सबको। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। आ चुके थे मगर नजर नहीं आया। थोड़ा सा खिलाऊंगा, थोड़ा सा लगाऊंगा। थैंक यू, मैं आपको हाथ से खिलाऊंगा, मगर जो प्यार हाथ का है ना वो चम्मच का नहीं है, मेरी उंगली भी खा रहे हैं। भैया की वजह से बाइक आ गई। तो कोई भी गर्ल्स घबराए नहीं इस बाइक को लेने से पहले, अभी हमारी जी शीनो जी इस पे बैठ के दिखाएंगे। देखो वेल मेंटेन और बैलेंस भी करके दिखाएंगे। आओ अच्छा साइड गार्ड पे रखोगी पैर रखे जाते, बैठो। बहुत बढ़िया, देखो पैर पूरे जमीन पे लग तो रहे नहीं, नहीं लग रहे। नहीं अभी भी नहीं हो रहा, बैठ लो बैठ लो, अब उतार के देखो एक बार। हाँ स्टैंड से उतार के देखते हैं। अरे राधे, अब देखो तो गई। देखो ये आप वुमन पावर देखो, अभी साइड स्टैंड भी नहीं लगा हुआ, मैन स्टैंड भी नहीं लगा हुआ, और शीलू जी के पैर भी जमीन पे नहीं लग रहे, फिर भी ये संभाल के दिखाएंगे। चलो जी 1 2 3 1 2 3 भाई आपकी हाइट कितनी है? 5.1 तो हाइट मिनिमम 5'4" तो चाहिए है ना। तो भैया जीतू भैया ने प्रॉमिस कर दिया है कि ये संडे जो आएगा वो लास्ट है, नहीं तो उससे पहले पहले हमें डिलीवरी मिल जाएगी है ना, ताकि हम उस बाइक को लेकर लौट आने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन अपना बाइक या तो लौट के आएगी या लौट लौट के ये लेके आएंगे, हम नहीं जानते। संडे से पहले पहले मुझे बाइक चाहिए। या तो तुम लौट लौट के लाना भाई। जो करना करते धन्यवाद प्रणाम करके। तो लॉन्चिंग हो गई है, बढ़िया मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। तो फाइनली अभी चल रहे हैं, अभी इस ब्लॉक को यहाँ तक
समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा. अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए. लव यू ऑल. बाय.